पानी पागरे हेला बड़ा परिवर्तन ओडिशा को माड़ी आसुची आउ एक भयंकर बात्या यस बंगाल सागर रे दाना बांधुथिबा लघुचाप बात्या रे परिणत हेबो मे 22 तारीख बेलकु उत्तर आंडामान सागर ओ यहार आखपाख बंगाल सागर रे सृष्टि हेबो एक बड़ लघुचाप बलय क्रमशः एहा बड़ गोटाई शक्तिशाली हेबा परे दक्षिण पश्चिम दिगरे गति करिवो 72 घंटा मध्यरे एहा सामुद्रिक झडरे परिणत हेबो एहा उत्तर पश्चिम दिगरे गति करि मे 26 तारीख संध्या बेलकु ओडिसा ओ पश्चिम बंगर तटरे पहुचिबार संभावना रहिछि एहा स्पष्ट करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग किंतु एहा केउठी लैंडफॉल करिवो एवं तीव्रता केते रहिवो ताहा वर्तमान पर्यंत स्पष्ट होइ पारि नाहि लघुचाप सृष्टि हेबा परे एहा स्पष्ट हेबो बोली भारतीय पाणिपाग विभाग पक्षरु कुहा जायछि तेबे 22 तारीख बेलकु प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जायछि भिन्न भिन्न पाणिपाग संस्था भिन्न भिन्न आकलन करिछन्ती वेंडर मॉडल मुताबक बात्या ओडिसार भद्रक ओ बालेश्वर मध्यरे लैंडफॉल करिबार अधिक संभावना रहिछि बंगोपसागर सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप बलय आसंता सप्ताह रे साइक्लोन बा सामुद्रिक झडर रूप नै पारे बोली आकुएदर विशिष्ट विज्ञानी जासन निकोल्स कहिछंती मिलिथिबा सूचना अनुसार लघुचाप क्षेत्र एवं बात्या उपरे नियमित नजर रखा जायछि बोली आईएमडी पक्षरु सूचना दिया जायछि एही बात्या प्रभाव रे आसंता 24 रु 26 पर्यंत केंद्रीय बंगोपसागर रे समुद्र अशांत रहिबो सेही परि 25 रु 27 तारिख पर्यंत उत्तर बंगोपसागर ओडिसा उपकूल रे समुद्र अशांत रु अति अशांत रहिबो एही संभाव्य बात्या को दृष्टि रे रखी आसंता 23 तारिख सुधा गभीर समुद्र रे थिबा मत्स्यजीवी मानंकु स्थल भाग को फेरी आसीबाकु पाणिपाग विभाग पक्षरु परामर्श दिया जायछि बात्या ताउक्ते तार भयंकर तांडव रचिला परे वर्तमान समस्तक मनरे एही बात्या को नै कोकुआ भय खेली जायछि ओडिसा बासी माने मध्य फनीर तांडव को भूली पारि नाहंती ता परे माड़ी आसुथिबा एही बात्या जहा पुनी मे मासरे हेबाकु जाउछि एहा को भाबी ओडिसा बासी माने मध्य अत्यंत भयभीत होइ जायछंती तो एही बात्या ओडिसार केउ स्थान रे लैंडफॉल कर एवं यहार तीव्रता केते रहिबो ताहा आसंता 22 तारिख रे सब किछि प्रमाण मिलि पारिबो बोली पाणिपाग विभाग पक्षरु स्पष्ट करा जायछि तो एही बात्या कुने आउ कोनसी न्यू अपडेट आसिले मु आपन मानकु निश्चित भाबे जणाइबि तो फ्रेंड देखा हेबा नेक्स्ट वीडियो रे मौसम गांटी रे खुटी के रक्त खाइ रहा।